मोस्ट वेलकम नए वीडियो के हम बात करने वाले हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म द बुल को लेकर बहुत सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जी हां दोस्तों सलमान खान एक बड़ी हिट के लिए भाई तरस रहे हैं सलमान खान के पिछले दो या तीन साल में बहुत सारी मूवीज आ चुके हैं लेकिन भाई नहीं आई है तो एक बड़ी फिल्म नहीं आई है जितना बड़ा चेहरा बट उतनी बड़ी फिल्म भाई नहीं आई है सलमान खान की फिल्म टाइगर थ्री से बहुत बड़ी आशा थी भाई ये फिल्म एक बहुत अच्छा कलेक्शन करेगी बट भाई शौकिंग खबर रही कि ये फिल्म उतना सारा कलेक्शन नहीं कर पाई उसके बाद जी हाँ दोस्तों करण जोहर के साथ उनकी जो अपकमिंग फिल्म थी जिसको लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया था अभी दो के अंदर लास्ट के अंदर बबुल जी हाँ दोस्तों बबुल को लेकर अनाउंसमेंट कर दिया गया था और बेसिकली ये 25 साल बाद है जी हाँ करण जौहर और सलमान खान साथ आ रहे हैं पच्चीस साल पहले कुछ कुछ होता है उस फिल्म के अंदर शाह दिखाई दे थे लेकिन पच्चीस साल के बाद भाई दोनों साथ आ रहे हैं और फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट भी कर दिया गया था यहाँ तक कि भाई शूटिंग का मुहूर्त भी कर दिया गया था और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर वहीं इस फिल्म को भाई डायरेक्ट कर रहे हैं विष्णुवर्धन आप सभी जानते हैं विष्णुवर्धन जिन्होंने भाई शेरसा जैसी मूवी को डायरेक्ट किया था इतने बड़े डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म को भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली जब इसको अनाउंसमेंट किया गया था पिछले साल इस फिल्म का उद्घाटन कर दिया गया था जी हाँ दोस्तों उसके बाद ये प्रोग्राम रखा गया था कि भाई फरवरी के अंदर इस फिल्म की स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लोर पे आ जाएगी उसके बाद सलमान खान यहाँ तक कि भाई जिम भी जा रहे थे अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे थे दो तो तीन तीन घंटे पसीने पा रहे थे क्योंकि दाबुल एक ऐसी फिल्म है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर मालदीप के अंदर एक ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया जाता है और वहाँ की जो सरकार थी जहाँ उस सरकार को कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था जी हाँ दोस्तों उसको एक इंडिया की जो आर्मी है इंडिया की जो आर्मी है पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ जाती हैं उनको बचाती हैं और उसमें फारूक बुलसार जो आर्स आर्मी के इस ऑपरेशन को कैक्टस को लीड करते हैं उनका रोल भाई सलमान खान प्ले कर रहे हैं आपको पता है कि आर्मी के लो आर्मी के ऑफिसर का रोल आप प्ले कर रहे हैं तो आपको बॉडी भी वैसी बननी चाहिए आर्मी ऑफिसर ऐसी जैसी बॉडी होनी चाहिए तो सलमान खान लगातार भाई जिम जा रहे थे वर्कआउट कर रहे थे अपनी बॉडी पर काम कर रहे थे कि भाई वो अपने कैरेक्टर को बहुत बेहतरीन दिखा सकें बट यहाँ पर अभी पता है कि नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्सदीप गए थे और उसके बाद मालदीप से बहुत सारे विवाद हो गए जब आप सभी जानते हैं कि मालदीप के साथ हमारा अभी काफ़ी जो रिलेशन है वो ख़राब चल रहे हैं सो भाई अब फिल्म का टॉपिक क्या है मालदीप और मालदीप के ऊपर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है सो फिल्म के मेकर्स ने अभी तुरंत इस टॉपिक के ऊपर जबकि मा, इंडिया मालदीप कंट्रोवर्सी चल रही है और फिल्म का टॉपिक वही शेम है सो भाई फिल्म के मेकर्स ने अब इस शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया है और ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाई ये जो शूटिंग है फिल्म की जो शूटिंग है अब अप्रैल में हो सकती है जी हाँ दोस्तों तो वहीं पर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन उन्होंने कहा कि भाई अब जब फिल्म की जो शूटिंग है वो हमने सारा काम रेडी कर लिया था बट ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है दो महीने के लिए पोस्टपोन करना पड़ रहा है तो वो स्क्रीन पर और काम करना चाहते हैं जी हाँ दोस्तों फिल्म की जो स्टोरी है स्क्रिप्ट है उस पर थोड़ा सा और काम करना चाहते हैं और उसको मजबूत और उसको श्रॉक बनाना चाहते हैं बाकी मैं खबर करूँ तो काफी शौकिंग खबर है क्योंकि अब इस अभी इस फिल्म की भाई शूटिंग स्टार्ट हो जाती तो दो में ईद के ऊपर भाई हमें सलमान खान की फिल्म देखने को मिल सकती थी लेकिन आपको पता है कि अब शौकीन खबर है अब दो दिवाली तक भाई ये फिल्म आपको देखने को मिलने वाली है उससे पहले नहीं मिलेगी बेसिकली द बुल को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि सलमान खान को आशा है कि भैया आर्मी बेस्ड फिल्म है और आजकल आर्मी बेस्ड फिल्मों का कुछ क्रेज भी ज़्यादा चल रहा है और मुझे लगता है कि सलमान खान इसमें काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे अपने करेक्टर के अनुसार कि अभी हार्ड वर्क कर रहे थे कि भाई मुझे अपना बेस्ट करना है इस फिल्म के अंदर काफ़ी पसीने पा रहे थे यहाँ तक कि वो डाइटिंग वगैरह कर रहे थे बॉडी पर बहुत काम कर रहे थे कि मुझे अपना बेस्ट काम करना है लेकिन भाई ये जो खबर निकल कर आई है ना ये काफ़ी शौकीन खबर है कम से कम जो सलमान के चाहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी शौकीन खबर है कि उनको इंतजार करते सलमान भाई की फिल्म आई और बड़ी फिल्म आई और इसका स्क्रिप्ट भी जबरदस्त था आर्मी बेस्ड फिल्म थी ऑपरेशन कैक्टस को दिखाया गया था तो बहुत ही शानदार फिल्म होने वाली थी बट लेकिन ये जो खबर आ रही है, है कि अप्रैल के अप्रैल के अंदर शूटिंग स्टार्ट होगी बेसिकली सलमान खान की दूसरी जो फिल्म है आ, पठान वर्सेज टाइगर आप सभी जानते हैं इस फिल्म को लेकर भी वाई आर एफ इस फिल्म को भाई बना रहा है लेकिन इसको खबर को इस फिल्म को अभी होल्ड पर रख दिया गया है तो कुछ सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फिल्म बनेगी नहीं लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ ये फिल्म भी बनने वाली है लेकिन लेकिन वाई आर एफ अभी वार जो फिल्म है वार टू फिल्म जो आ रही है उसके ऊपर काम कर रहा है उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट है ये सलमान खान और शाहरुख खान की जो फिल्म बनने वाली है भाई मेगा फिल्म बनेगी इसके स्क्रिप्ट के ऊपर इसकी कहानी के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है उनको पता है यार कितनी बड़ी फिल्म होगी सो इस एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से स्टडी किया जा रहा है एक एक चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है तो वाई आर एफ़ की जो अगली फिल्म है वो टाइगर वर्सेस पठान बनने वाली है जो कि एक मेगा फिल्म होगी और सारे रिकॉर्ड धुआं धुआं कर देगी जी हाँ दोस्तों ये कंफर्म मान लीजिए बनेगी जरूर क्योंकि यार वाई आर एफ इतनी बड़ी स्क्रिप्ट पर इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कैसे नहीं करेगा लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी कि भाई सलमान खान की जो फिल्म है द बुल उसको आगे बढ़ा दिया गया है खासकर जो नरेंद्र मोदी अभी लक्षद्वीप गए थे उस कंट्रोवर्सी की वजह से तो भाई आप क्या सोचते हैं इस पूरे वर्क प्रकरण को लेकर और सलमान भाई की अपकमिंग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी फिल्मी कैरियर को जो वो एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं उसके ऊपर जल्दी अपनी राय दीजिए जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में इस पूरी इस फिल्म की जो शूटिंग है उसके बारे में पोस्टपोन होने पर आप कैसा महसूस करें लिखिए कॉमेंट बॉक्स में